Good morning and welcome back to the channel. I hope you all are doing extremely well. आज सुबह सुबह क्यों आजकल वैसे भी इतना सुंदर मौसम हो रहा है और सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं. चलिए let's start the day. बहुत टाइम से प्लान हो रहा था, बुआ अपने यहाँ बुला रही थी बट हम जा नहीं पा रहे थे ड्यू टू कोविड. इतने सारे रीजंस थे, हम एकदम घर में ही बंद थे, सबसे एक साथ भी नहीं मिल पा रहे थे. तो अचानक से प्लान बना कि सैटरडे को यानी आज सब लोग मिल रहे हैं सुबह ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक, बिकॉज इवनिंग में सारे लोग काफ़ी बिजी हो जाते हैं. तो इसलिए सुबह अभी बज रहे हैं 9:30 और हम अब निकल पड़े हैं. चलिए आपको भी लेके चलते हैं और ढेर सारा एंजॉय करें. आरफ सबसे अच्छा सिटीजन है, मास्क लगाया हुआ है और कोई कार में नहीं लगाया है. क्यों आरफ, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट. कहाँ जा रहे हो? हम नैनी जा रहे हैं. नैनी जा रहे हो? हम पिकनिक मनाने. पिकनिक मनाने. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सुबह सुबह आज निकल ली एकदम ब्रेकफास्ट. अरे तो हम तो निकल लेते हैं. तुम इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अरे हम सुबह अरे तुम बाल धुल रहे थे तो ब्रेकफास्ट आज नैनी झील में. नैनी झील तब भी हम 9:30 नहा के निकल गए. तब भी बहुत जल्दी तैयार हो. ऐसे निकलने घर पे क्या है, ऐसे लग रहा घर जा रहे हैं. ऐसे ऐसे घर लेके जाएंगे क्या? तो क्या तुम्हारा भरोसा, कैसे कैसे जा सकती हो तुम? ये तुम वो मुगलों अंग्रेजों वाला नीत अपनाती हो. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा. हमको क्या दिक्कत है, जब बेटे कोई दिक्कत नहीं तो हमें क्या दिक्कत है? हम तो ऐसे रहते ही है. यही बताओ क्या मौसम है ना, ऐसे मतलब बारिश थोड़ा कम. चेरापुंजी पहुंच गए हम लोग. इस बार गर्मी कम है. पड़ी कहाँ, जरा सी उमस होती है तुरंत झम 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 झम. ऐसे वेदर रहे ठंडा, मतलब बारिश थोड़ा कम हो, ठंडा वेदर रहे और जानते हो एसी इतना यूज कम हो जाए और मतलब इन्वायरमेंट कितना अच्छा हो जाए. yes. और पैसा लोगों को बचत हो जाए, एक एक एसी तीन तीन एसी लगाना, बिजली का बिल देना. तो गरीबी भी थोड़ा सा खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. वाला मौसम एकदम बाहर जैसे लग रहा है, लुनावला वनावला. क्या कहते हैं, घर में बैठे रहते हैं जब कैसा मौसम हो, जरा ड्राइव पे कहीं चला जाए. काम है तुम्हारे पास, पहले अपने काम निपटाओ, ड्राइव पर जीवन. अरे तो काम तो जीवन भर होता रहेगा, मौसम कहाँ से आएगा? अरे मौसम तो आ ही जाएगा. मौसम आप ला सकते हो, काम तो पूरा कराया भी जा सकता है. क्यों, आप लोग बताइए, क्या मौसम वापस लाया जा सकता है? अरे मौसम तो हर साल आता है, हर साल इतना गंदा मौसम रहता है. अरे तो अगर मौसम लाना तो महाराष्ट्र में पानी खुवाती है, टेंशन नहीं है. पहले काम तो यहाँ रह के बिना पैसा खर्च किए जो हो सकता है चलेंगे वहीं. अच्छा पूरा बेड वोड अच्छा है जिस हिसाब से कहा गया था उसमें उसी हिसाब. फूफा जी एकदम स्मार्ट बन के एकदम. चले काम पे लग जाओ. क्या रहा, कहाँ आ गए मामा? धो मामा को आओ, एसी उसी लगा लिए मामा. अरे वीआईपी हो गया. खुश रहो. कौन आया आ रहा हो? किसी से मिलने के लिए. कितना अरे अरे वाह, खुश रहिए. सब एकदम नैनी जेल में. अरे वाह. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मैचिंग लग रहा है दोनों लोग. अरे तुम्हारे यहाँ पर्ची हुई है क्या? ये यही रहती है? नहीं यहाँ रहती नहीं है.
एक साथ रात में उठवाते हैं। अच्छा ये देखो इसके माई है, बच्चा है क्या ये छोटा? हाँ। बच्चा बड़ा मोटा तकड़ा दिख रहा, माई बड़ी पतली फुलाया हुआ है ना। अच्छा इधर रखे हो क्या तुम क्या? खाना पीना? हाँ। बाजरा और चावल। क्या बन रहा है? मूंगी हो रहा है। मेरा क्लास थर्ड वाला बजा रहे हो? गाना बजा रहे हो? काश बाबू वो फाट कर रहे हो। अरे क्रीम रोल तो हम लोग बचपन से बहुत पसंद रहता है ना। क्या आवाज है क्या बोला जी? कैसा लग रहा है देख के? अच्छा लग रहा है देख के। आइए इस बार एकदम खतरनाक व्यवस्था है बुआ जी आपकी। इस बार खतरनाक है क्या? अच्छा मतलब मस्ती वाली। हाँ बिना बिना मौसम रहता है, जो लाइट जला के लगता है भीगा भीगा है शाम। कुछ गाइए हुआ आप मौसम पे? हाँ आज सुबह ही हाँ बलिया क्या गिर गया? स्पेशल चाय गिर गई। वाह कुल्हड़ बलिया से आया है। अच्छा आज पूरा पूर्वांचल का मिक्सचर है क्या यहाँ? सर इसे सेलिब्रिटी आ रहे, एक कैमरा उधर लगा है, कैमरा इधर ऑन है, एकदम से लेट कर दिए। पनीर टिक्का बस अभी अभी खत्म। यहाँ तो बड़े लेट माई पार्टी हो रही है। यहाँ दादाजी नाश्ता करके सो गए। अच्छा कहाँ? अच्छा अम्मा नहीं पी रही है क्या? लिटिल पैक वाइन लग रहा है तुम्हारा। आप यहाँ छोटे वाले फूफा जी पानी गिन रहे हैं। तो मतलब बन नहीं पाएगी, कोई आ जाएगा और चढ़ा नहीं पाएंगे। नहीं नहीं उबल नहीं पाएगी और आ जाएगा। और अब ये हो गया कि ना कि चाय चिल्लाएंगे तो बहुत आपका तो और मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में ये सब तो लोकल यही। आ रहे हो? ए आ रहे हो? सबने बहुत खा लिया, अब आदमी लोग चले कि जब न चले। अरे कल लगा उसे बोल दे। अब आपस से तू कहाँ है? अरे बोल कल पर क्यों नहीं ले जाओगे?
शादी से पहले को इतना प्यार किया होता तो शादी ना मैं तो पढ़ लिया भाई तो हम आए खुशी में एसी बंद कर देंगे तुम लोग ना गर्मी बहुत चलिए 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 कुछ काम उम करिए पहले बात यह है ये साफ करिए जगह नहीं हां ठीक है तो कर रहे हैं अच्छा तो 5 मिनट क्या करने के लिए तो हम लोग करते हैं सफाई की देखते हैं अरे आप और दोनों लोग आप बेचारा दामाद आकर के ससुराल में लगा हुआ था मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं क्या तुम लोग हर जगह बेचारे को बहुत मेहनत पड़ती है और यहाँ बन रहा है बहुत ही बेहतरीन सा पिज्जा क्या ख्याल है सम्मान देने के बाद सम्मान ले लिया सम्मान तो सम्मान लिख लूंगा नानी थी बीज मामा तुम कितना पिज्जा खाओगे पहली बार तो मन का बना इतना ऐसे में बड़ा सख्त लौट रहा हूँ लेकिन यहाँ में पिघल गया अच्छा रोज मम्मी खिलाती है तो हमेशा कहेगा पहली बार मजा आ गई खाने में कि सबके आने में दोनों आ रहा कितनी मजा आई इसी में सब घुस गए इसी में सब तीनों सब घुस गए सब आए बटोर बटार के चला चला जाए अब थोड़ी देर बैठ जाओ काले तो है बाय मजा आ गई कितनी टाटा बाय बाय इतने बड़े मतलब इतने मजेदार दिन का कितने दिन बाद सबके साथ मेरे पेट भर गया है मेरे पेट तो ऐसा हो गया बस लग रहा है कि बेड मिल जाए और एकदम सो जाएंगे एकदम यहाँ तक अब तो कोई अच्छी भुट्टा सुबह जब जा रहे थे तो भुट्टा बारिश में देख के अच्छा लग रहा था हाँ सुबह थी अभी जब देख रहे थे तो देखने का भी मन नहीं कर रहा था इतना ज्यादा ओवर डाइटिंग चल रही थी फिर वजन बढ़ गया अरे कौन चीट पीट नहीं होता सब केवल अपने आप को चीट करना हो जाता है ओ माय गॉड कितनी मजा आई अरे क्या मजा ऐसा डॉक्टर के सम्मान में डॉक्टर से चिली पनीर बनवा लिया पहले सम्मान दिया गया फिर आपसे सम्मान ले लिया गया आपसे अच्छे किसी को आ नहीं रहता ना बनाने अरे विनीता को भेजा गया विनीता कह रहे अरे जब डॉक्टर साहब है तो हम कैसे किचन में जाए यही कह कह के सब बढ़िया बनवा बनाते हेल्पर लगे थे साथ में हेल्पर तो अब हेल्पर भी नहीं मिला तो सब्जी भी काटनी पड़े चलो अब घर चलो भैया और सो जाओ आज कुछ नहीं खाना है पढ़ाई भी करना है पढ़ाई घोसले हो ही चुकी है बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है पढ़ने से भागती है लड़की ऐसा कुछ नहीं है जब 2.5 साल के थे तब से पढ़ रहे हैं अभी तक